यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने राजा मदन्ता को सुनाई थी। वैदिश नगर में राजा चतुरथ का शासन था। उस राज में सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वहाँ सभी वर्ग के लोग धर्म व दान पुण्य कर्म करते थे। एकादशी के दिन राज में रहने वाले सभी लोग एकादशी व्रत रखते और पूजन करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी का व्रत पड़ा और सभी ने वह व्रत रखा। मंदिर में सभी ने पूजा की, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। वहाँ पर एक शिकारी भी बैठा था, वह एकादशी व्रत में पूजा में शामिल था। अगले दिन वह घर गया, भोजन करके सो गया, उसका निधन हो गया। उसने राजा विद्रुत के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। एकादशी व्रत की कथा सुनने और पूजा में शामिल होने से मिले पुण्य फल से वह राजा के घर में पैदा हुआ था। बाद में वह भी राजा बना। एक दिन वह जंगल में रास्ते में भटक गया, वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पे जंगली लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार डाला और राजा बच गया। राजा जब नींद से जागा तो काफ़ी संख्या में लोग मरे हुए हैं, उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। तब राजा ने कहा कि इन लोगों से उसकी रक्षा किसने की। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के सिवाय तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। उसके बाद राजा अपने राज लौटा और सुखपूर्वक शासन करने लगा। तब से लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और उसकी कथा सुनते हैं। हरि।